चीन का पलटवार, अमेरिका के 60 अरब डॉलर के सामानों पर बढ़ाया टैरिफ। खुदरा महंगाई दर 6 महीने में सबसे ज्यादा, अप्रैल में 2.92% हुई। श्रीलंका सामुदायिक हिंसा, पूरे देश में लगा कर्फ्यू। सोशल मीडिया पर बैंकॉक को F-16 बेचने वाली कंपनी भारत को F-21 देने के लिए तैयार। सिर्फ 13 साल की उम्र में लिखा उपन्यास, दिखाया सपनों का अनोखा देश। रात में पुरुष मित्रों को बुलाती है छात्रावास की इंचार्ज, छात्राओं ने सिर लगाई गुहार। राहुल गांधी ने पंजाब में कहा, सैम पित्रोदा को 1984 दंगों के बयान पर शर्मिंदा होना चाहिए। पीएम मोदी ने बुलेट प्रूफ जैकेटों की खरीद में देरी पर यूपीए सरकार को घेरा। कमल हासन के हिंदू आतंकी वाले बयान पर बोले विवेक ओबेरॉय, भारत को न बांटे, हम सब एक हैं। राहुल गांधी ने पूछा, नोटबंदी के दौरान बैंक की लाइनों में चोर क्यों नहीं थे? लेट्स ब्लॉक एड्स, वाई